Hello dear students, this is your English teacher Dinupati Rao. Today I am here to teach you singular and plural noun. Okay, as we have already studied noun, so in this chapter we will study about singular and plural noun, which is chapter 5, and this is for class 2 part of English grammar course. So, look at the board. What is singular noun? A singular noun names only one person, place or thing. Okay, what happened? Singular noun जो होते हैं है ना, इस वर्ड्स में हम लोग सिंगल है ना, सिंगल सिंगल वर्ड्स आए. The word singular it comes from single. Okay. So singular means what? How many? One. तो जो वर्ड शब्द है सिंगुलर, ये शब्द बने हैं सिंगल से, इसका मतलब होता है वन. तो जब भी हम लोग सिंगुलर की बात करेंगे तो उसका नेचर ये होगा कि वो नंबर में सिर्फ वन होगी, है ना, सिर्फ एक के बारे में हम लोग सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे होंगे. तो ये अ सिंगुलर नाउन नेम्स ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग. As जैसा कि one glass, one table, okay? Here we are talking about one glass and one table only. So what? This glass, table, okay? They are all singular noun. Now move to plural noun, okay? A noun that names two or more people, places or things. जब भी हम लोग एक से अधिक संख्या में इन चीज़ों का बारे बात करते हैं, नाम लेते हैं, तो वहाँ हम लोग उसे हम लोग प्लूरल नाउन कहते हैं, है ना. आप लोगों ने हिंदी भी में भी पढ़ा होगा, एज सेम इसमें भी हमारे इंग्लिश ग्रामर में भी सेम डेफिनेशंस हैं. जैसे कि आप देखिए एग्जांपल्स में, लुक एट दिस, टू ग्लासेस है ना, मैनी टेबल्स. ओके, हियर वन ग्लास एंड टू ग्लासेस, मोर देन वन हम लोगों ने इसे प्लूरल बना दिया, है ना, मैनी टेबल्स. ओके, मैनी टेबल्स हियर मीन्स मोर देन वन. ओके, देयर आर सम बेसिक, यू नो, अ फ्यू बेसिक रूल्स टू रिमेंबर व्हेन इट कम्स टू टर्निंग सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन. सो लेट्स मूव टू दैट. ओके, टू रूल्स वन बाय वन, वी विल सी वन बाय वन सिंगुलर्स और से प्लूरल्स में शब्द को बदलने के लिए ग्रामर में कुछ नियम हैं जिन्हें हम लोग आज पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे, और चलिए देखते हैं क्या क्या वो रूल्स हैं. ओके, I hope you must have been working hard at your home. I always used to tell you apply this lockdown period very positively. Okay, this is a very good opportunity to enjoy with your family and study. Okay, so first rule. Turning singular noun to plural. Okay, singular से plural से हम लोग जब turn करेंगे, convert करेंगे तो क्या sense होगा? By adding s. Okay, this is very simple rule. Just when you have singular word, just add s to it. Okay, like car. Okay, this is what singular. Just a minute, sorry. Singular and plural.
लाइक कार, क्वाइट, ओके। हियर जस्ट ऐड एस, कार्स, क्वाइट, ओके। दिस वे यू कैन मेक एनी वर्ड सिंगुलर टू व्हाट आई वी गॉट सिंगुलर टू प्लूरल, ओके। कार्स। सेकेंड थिंग, इफ नाउ इज विथ, ओके, नाउ, ओके, विथ लेटर एक्स ओ एस 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 सी एच, ओके। व्हाट वी डू इन दिस इफ नाउन इज विथ लेटर एक्स ओ एस सी एच, ओके। कोई भी शब्द होंगे, नाउन होंगे, जो उनके अंत में अगर ये सब लेटर्स अगर एंड होते हैं, वो एक्स ओ एस डबल एस सी एच, तो उन्हें हम लोग प्लूरल में कैसे टर्न करेंगे, ये चीज़ सीखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे में, बाय एडिंग ई एस, ऐसे 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 लेटर्स में हम लोग ई एस ऐड करते हैं, है ना। जैसे कि देखते हैं, पहले फॉक्स, है ना, एक्स एक्स को लिया, इसमें हम लोगों ने कर दिया फॉक्स एस, ओके, सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, ओके। मैंगो, मैंगो, ये हो गया हमारा मैंगो। नंबर फोर देखेंगे हम लोग, एस बस, दिस विल बिकम्स बसेस, ओके, आफ्टर टर्निंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, ये बसेस हो जाएंगे। नंबर फोर, बॉस, बी ओ एस, सो बॉसेस, इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, यू कैन जस्ट गो थ्रू द बुक, ओके। ब्रशेस, ब्रश एस एच ब्रशेस। वन मोर थिंग, सिक्स, ब्रांच, ओके, ब्रांच। दिस वे यू कैन टर्न सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म, ओके। नाउ लेट्स मूव टू Now let's move to another next room. If any noun ends with F or FA, okay, then by adding VES we get plural noun. Suppose we have wife, है ना। जब भी कोई नाउन सिंगुलर नाउन होते हैं और वो उनके लास्ट जो एंडिंग लेटर होते हैं वो एफ होते हैं या एफ ई होते हैं, तो वैसे शब्दों में हम लोग पहले एफ को रिमूव कर देते हैं, है ना, एफ ई को भी रिमूव कर देते हैं।
ओके, और उसके जगह पे हम लोग क्या जोड़ते हैं, वी ई एस, ओके वी ई एस, लाइक वाइज, वाइज, काफ, व्हाट बिकम्स इट, काफ, ओके एल इज साइलेंट, यू डोंट प्रिंट एल, ओके काफ, लीव, it becomes leaves. This way you can change singular form into plural form. Now next rule. One more thing I would like to mention here. One more thing I would like to add to this, that we do have exception. We do have exceptions in this rule. Okay, here exceptions means कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो इस फॉर्मेट में होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं, जिनका एंडिंग एफ होता है या एफ यू होता है, लेकिन उन शब्दों पे हम लोग ये रूल्स फॉलो अप्लाई नहीं करते हैं. ये एक एक्सेप्शंस हैं, उनसे जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, पर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स ऐसे हैं और ये हमें अपने माइंड में रखना होगा. इस चीज़ों को हमें याद रखना होगा, हमें मगअप करना होगा. ओके, वी हैव टू मगअप दीज थिंग्स, ओके, व्हाइल अप्लाइंग. एंड व्हाट आर द दोस वर्ड्स, दोस वर्ड्स आर लाइक रूफ, शेफ, ओके. हियर जस्ट आई वांटेड टू टेल यू, सी इस शब्द में इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, एफ है, इसका एंडिंग पॉइंट एफ है, और इस रूल से हमें क्या अप्लाई करना चाहिए था यहाँ पे, वी ई एस, लेकिन ऐसा नहीं है. हम लोग यहाँ पे वी ई एस नहीं, बल्कि रूफ्स का प्लूरल क्या होंगे, रूफ्स होंगे. ये एक्सेप्शंस हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में. ओके, शेफ्स के क्या हो जाएंगे, शेफ के शेफ्स हो जाएंगे. तो कुछ ऐसे शब्दों को हमें अपने हमें याद करना होगा उन चीज़ों को, और ये क्योंकि एक भाषा है तो हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस से ही, यू नो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो हम लोग प्रैक्टिस से ही चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट रूल. Nouns which end with y letter, okay, ऐसे noun, okay, जो ऐसे शब्द जो noun होते हैं, मतलब name, ऐसे name जो जिनका ending जो letter होता है वो y होता है, उसको दो तरह के follow करते हैं. अगर if there is a consonant before the indicator y, what we have to, okay, we have to apply IES, okay, like fairy, okay, penny. See यहाँ देखिए, ये जो शब्द के सबसे लास्ट में वर्ड्स में ये y है, यहाँ पे भी y है, लेकिन हमें इसके पहले के वर्ड को देखना होगा, इस वर्ड को, ठीक है. और ये हम देखेंगे कि ये जो वर्ड है ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है.
वॉवेल ए ई आई ओ यू है ना, उन्हें वॉवेल कहते हैं। तो ये तो वॉवेल्स नहीं है ना, ये भी वॉवेल्स नहीं है। तो ऐसे शब्द में हम लोग इस रूल्स को अप्लाई करेंगे और क्या हो जाएंगे वो, ये बन जाएंगे फेरी के हैं, फेरीज, आई ई एस, पेनी, पेनी, ओके गॉट इट। जिसमें ये हमें आप लोग को याद करना होगा, हमें याद करना होगा, ये रूल्स हैं इन्हें हमें प्रैक्टिस करना होगा बार 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 बार। ओके वी हैव टू प्रैक्टिस एट योर एट आवर होम्स अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन ग्रास्प इट वेरी गुड वेल। नाउ इन दिस सपोज इफ देयर इज अ If there is a sorry, if there is a vowel, what? If there is a vowel before the ending letter Y, what we have to apply here? We have to apply S, only S, like this, this, okay, keys, or like one more thing, monkey, so it becomes monkeys, hai na, keys, one key, keys, more than one monkey, only we are talking about one monkey here, monkeys, more than one monkey. तो जब भी ऐसे शब्द जिसके एंडिंग वाई होता है लेकिन उसके जस्ट बिफोर उसके पहले के जो लेटर्स होते हैं अगर वॉवेल होते हैं तो वैसे शब्द को हम लोग वेन टर्न करते हैं जब सिंगुलर से प्लूरल्स में, तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ ऐड एस करते हैं। ओके ये हमें याद करना होगा। So this is about your grammar. I hope you all are doing very well at your home. Today I will provide you assignments from this chapter. Okay, just go through the books and assignments. And if you have any doubt, you can call me anytime. Thank you and have a nice day.